बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जायका फुल्की किचन में खुश आमदीद। आज हम कुछ स्पेशल बना रहे हैं। वाइट वाले चने नाश्ते में खाए जाने वाले बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, होटल से ज़्यादा मज़ेदार होंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है लेकिन है बहुत टेस्टी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पैन चूल्हे पर रखा है और थोड़ा सा इसमें घी डाल रही हूँ। इसमें मैं कुछ चीज़ें शामिल करूँगी। दो बड़े प्याज हैं, हरी मिर्च है, अदरक के चार पीस हैं और हैं चंद लहसुन के जवे। इनको मैंने रफली सा काट लिया है। अब मैं घी गर्म होने के बाद इनको पैन में डाल दूँगी। इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट, ताकि इनमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इस तरह से हमारी जो ग्रेवी होगी वो बहुत ही सिल्की और स्मूद और खुशबूदार बनेगी। इनको फ्राई करने के बाद एक ब्लेंडर जार में डाल के इनको मैं मैश करूँगी। मैश करने के बाद उसी कढ़ाई में बकिया का घी डाल दूँगी और कुछ खड़े मसाले डालूँगी। साबुत काली मिर्च, जीरा, 4 लौंगे और धनिया गोल वाला। इनको थोड़ा कड़कड़ाने के बाद जो हमने चीज़ें मैश की हैं वो डाल दूँगी। ये डालने के बाद इनको थोड़ा हम हिला लेंगे। फ्लेम मेरा स्लो पे है, ज़्यादा फास्ट पे नहीं है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 3 से 4 टमाटर की प्यूरी जो मैंने बनाई है वो शामिल कर दूँगी। इसमें मैं कुछ पाउडर मसाले डाल रही हूँ, नमक, हल्दी और रेड चिली पाउडर। नमक मैंने कुछ कम शामिल किया है क्योंकि मैंने चने को बॉयल करते वक्त भी नमक डाला था। यहाँ पे आपने इसका खास ख्याल रखना है, नमक ओवर ना हो जाए। तो अब 2 से 3 मिनट में इसको कवर कर दूँगी। देखिए मसाला हमारा अच्छे से स्मूद और सिल्की बनकर तैयार है। मसाले ने घी छोड़ दिया है, हमारा मसाला रेडी है। अब मैं इसमें चने जो मैंने बॉयल करके रखे थे वो डालूँगी। देखिए कितने अच्छे से मैश हो रहे हैं। चने उसी वक्त फ्लेवरफुल बनते हैं जब वो अच्छे से पका लिए जाते हैं, यानी कि गल जाते हैं। अब मैं इनको थोड़ा चम्मच से हिला लूँगी ताकि अच्छे से चने मसाले में डिप हो जाए। एक दो बार चला लूँगी, फ्लेम मेरा स्लो पे है। अब मैं फिर इसमें डालूँगी 3 से 4 हरी मिर्च फ्लेवर और लुक के लिए। इसमें डाल दूँगी धनिया सब्ज वाला। इसको 5 मिनट मैं कवर करके स्लो फ्लेम पे रख दूँगी। देखिए कितना खुशबूदार हमारा चने का जो ग्रेवी के साथ तैयार है, बहुत ही खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। माशाल्लाह से लुक देखें कितनी अच्छी है। घी सारा टॉप पे आ गया है, हमारा चने का सालन तैयार है। तब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी लुक आई है। टेस्ट करें, बनाएं और बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को पूरी के साथ, नान के साथ और सिंपल रोटी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आसान और मज़े की रेसिपी पसंद आए तो अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। इसी के साथ अल्लाह निगेबान।